बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 25 दिसंबर दो हवालों से हमारे लिए बड़ा अहम दिन। किस वजह से? एक तो हमारी एज़ अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत एक अहम दिन, कायदे आज़म का ज़ाहिर है कि ये दिन उनके नाम से मंसूब। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारी मसीही बरादरी पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस के तौर पर मनाती है, और हम हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम मुख्तलिफ चर्चेज़ में आते हैं। कभी आपने हमें किसी एक चर्च में देखा, कभी किसी दूसरे चर्च में देखा। इस साल भी हम लोग एक बिल्कुल अलग चर्च में आए हैं। हम लोग जब भी ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर जो मामला होता है वो किसी दूसरे मज़हब का होता है, तो हमारी अकीदत में किसी किस्म की कमी इस तरह से नहीं आती है। क्योंकि देखिए कि इस वक्त जब हम हरे झंडे के नीचे खड़े होते हैं ना, अपने पाकिस्तानी फ्लैग के नीचे, तो हम सब एक होते हैं। कोई ठम्मे से ये ना सोचे कि हम अबतर हैं, वो जो है वो कमतर है। सब पाकिस्तानी एक है, चाहे उनका मज़हब कोई भी हो। और वैसे भी अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, इतना प्यारा मज़हब जिसके अंदर अमन व आची, अगर आप इनकी सर्विसेज आप सुने ना, मैं हर साल आके सुनती हूँ। जब भी मैं प्रोग्राम करने के लिए आती हूँ, मैं थोड़ा सा पहले आ जाती हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे जो सर्विसेज हैं, ये जो पैगाम दिया जा रहा है, मैं उसके हवाले से कि मुझे कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। इतना प्यारा पैगाम दिया जाता है मोहब्बत अमन व आची का, ऐसा पैगाम दिया जाता है कि जिसकी इस वक्त इस ज़माने में बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग अगर सिर्फ यही देख लें कि हमारे मसीही जो बहन भाई हैं उनका कोऑपरेशन हमारे साथ बहसियत पाकिस्तानी कितना रहा है, तो मेरे ख्याल में कि हम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे जो मसीही बरादरी है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, एक तो मैं कम्युनिटी का जब इस्तेमाल करूँ लफ्ज़, तो इसका मतलब कतई तौर पर नहीं होता कि हम किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नहीं, ये इट्स जस्ट अ वर्ड, दैट्स इट। हम सब एक हैं और हमें एक ही रहना है। खुशी का मौका है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इस चर्च के जो फादर हैं, हम उनसे उनके पास आए हैं। फादर, मैरी क्रिसमस। और दिसंबर का महीना आप जानते हैं कि आपके लिए भी बहुत जो है वो मुकद्दम है। पैगाम क्या है इस दिन का, आपको क्या लगता है? देखें, ये पैगाम को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खुदा ने अर्श से फर्श पर खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो इस दुनिया से हर किस्म की कदूरत और नफ़रत को दूर करके प्यार, मोहब्बत, अमन, सुलह, सलामती का पैगाम बनकर सबको इकट्ठा करे। तो यही सबसे अहम और ख़ास। आपने कहा कि आज के दिन का सबसे बड़ा जो पैगाम है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स ऑल अबाउट द लव। और ये कि जो कदूरतें दिलों के अंदर हैं, जो मैल दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए है, उसको निकालने का दिन है। इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं जो दौरे हाजिर के, आपको लगता है कि इस फलसफा जो कि आज के दिन का है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? जब नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा जो है वो अपनी सोच रहा है, मतलब इन दिनों में ख़ास तौर पर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है इसके प्रचार की? जी जी, बिल्कुल जी, मोहब्बत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो इस मोहब्बत की, इस प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है, फुकदान है। हम सब अपने अपने फ़िरकों में बटे हुए हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, इसी तरह ये कोई अलहदगी वाली बात नहीं है, बल्कि इकट्ठे प्यार और मोहब्बत में रहने वाली बात जो है वो ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मोहब्बत होगी, इंग्लिश में कहते हैं कि लव कैन क्रिएट मिरेकल्स, तो अगर मोहब्बत होगी तो बड़े बड़े मौजे होंगे, बहुत काम होगा, इकट्ठ होगा, प्यार होगा। And we literally we need these kind of miracles, literally. Yes. in this age we need it. Yeah, sure, we need it. इस किस्म की सूरत हाल में हमें इस मोहब्बत और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए खुदा ने अर्श से फर्श पर खुदावंद यीशु मसीह को भेजा था कि वो इस प्यार को सारी दुनिया में बांटे और हम उसके पैगाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। बहुत शुक्रिया फादर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि भले मज़हब की बुनियाद पर हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा मज़हब कोई भी हो सकता है, फ़िरका कोई भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानियत की बात है, जब तक ये जहाँ तक नेशनलिटी की बात है, आप उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के हम हैं, और हम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के आप हैं। जी जी, हम कभी ये नहीं समझते कि हम कोई माइनॉरिटीज़ हैं या एक अलहदा ग्रुप हैं, बल्कि वी प्रेजेंट आवर सेल्फ एज अ पाकिस्तानी नेशन। हम पाकिस्तानी कौम, बहसीत पाकिस्तानी कौम अपने आप को पेश करते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम कोई मेन स्ट्रीम से अलहदा लोग हैं। तो ये सेंट
जो पाइन जो है यहाँ पर जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये कितना तकरीबन इसको हो गया, ये सेंट पाइन 10 जो है इसका इसका तकरीबन जो है कयाम जो है वो कितना अरसा हो गया इसे? ये काफ़ी लंबा अरसा, तकरीबन मेरा ख्याल 50-60 साल का अरसा जो है हो चुका है, और हम इसी तरह अपने प्रोग्राम जो हैं असेंबली में करते हैं। अच्छा, ये किसके नाम पे है? सेंट पाइस सेंट पाइस द 10th माइनर असेंबली के नाम से ये जगह मंसूब है। तो इसका नाम पाइस इसके अंदर है, वो जो पाइस मतलब ये पाकीज़गी तहारत ये इसी से मंसूब है क्या? ये भी है, लेकिन मुकद्दस हमारे पापा आजम जो हैं 10 पापा आजम 10वें जो हैं उनके नाम से मंसूब है। ठीक है जी, सेंट पाइस 10 से हम लोग आपको इस साल जो है वो आपको अपडेट कर रहे हैं, और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे पकअप में आपको एक स्टेज नज़र आ रहा है, वहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं लोग जो इस वक्त ऑर्केस्ट्रा के साथ हैं और कुछ गा रहे हैं। एक्चुअली ये दुआया तकरीब है, और इसके अंदर ये जो पूरा अगर आप गौर से सुने, मैं तो सुन रही हूँ, तो इसके अंदर जो है वो हज़रत यसु मसीह जो हमारे लिए जो बहुत ही जलील कदर हमारे जो अम्बिया में से हैं, पैगंबर हैं, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं हर प्रोग्राम जो क्रिसमस का हम करते हैं, हम उसमें ये कहते हैं कि ये दिन जितना क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अहम है उतना ही हमारा इस तरह से है, क्योंकि अगर इनके यसु मसीह आज के दिन तशरीफ़ लेकर आए थे तो हमारे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन तशरीफ़ लेकर आए हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में और इस वक्त ये दुआ जो पढ़ रहे हैं, ये अगर आपसे सुने ना बड़ा मज़ा आएगा आपको इस सुन के, इसको बड़ा इसके अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैं हमेशा जाती हूँ चर्चेज़ में, तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो मतलब हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो ज़्यादातर पंजाबी बोल रहे होते हैं, बड़ी प्यारी सी पंजाबी बोल रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान के चारों सूबों से हैं, लेकिन यहाँ कराची में अक्सरियत जो है वो पंजाब से ताल्लुक रखती है, वो पंजाब से माइग्रेट होकर यहाँ भी आए हैं तो पंजाबी ज़्यादा हैं। लेकिन इतने अगर मैं पंजाबी बोला तो मैंने कोई दिक्कत नहीं होगी ना इतने? नहीं, जितना मर्जी पंजाबी बोलो तो सिर्फ सारे पंजाबी समझ देने और बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जो चर्च होता है हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी आप जब किसी भी मज़हब की इबादत गाह में आप ले जाएं तो या तो आप जाएं नहीं, या अगर आप जाएं तो पूरी अकीदत के साथ जाएं, उतनी ही अकीदत के साथ, क्योंकि देखिए कि इस वक्त आप जब किसी ऐसे किसी गैर जो एक ऐसा मज़हब जो आपका मज़हब ना हो, लेकिन आप जब उनकी इबादत गाहों में जाएं तो याद रखिएगा कि आप अपने मज़हब की तरबियत की आप जो है ना वो उसकी एक इंसानी शक्ल में आप जा रहे होते हैं, और वहाँ से पता चलता है कि आपका जो तशख़्स है वो कितना मज़बूत बुनियादों पर है। और हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि हम जो मोहब्बत और हम आहंगी है उसको फ़रोग देना, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कि कोई भी आपके इर्द गिर्द रहने वाले गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाई हों, अगर वो पाकिस्तान में है तो इसका मतलब है कि वो हम में से ही हैं। आप उन मैं हमेशा जब कभी क्रिसमस का प्रोग्राम करती हूँ या मैं होली का प्रोग्राम करती हूँ या फिर दिवाली का करती हूँ या हम लोगों को गुरुद्वारे जाना होता है, तो हम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं करते, हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखिए कि हम आप ही में से हैं, पाकिस्तानी हैं तो हम आप ही में से हैं, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है कि जब हम जाते हैं तो हम अपने मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने मज़हब की तरबियत को, इस चीज़ को हमेशा मलहूज़ खाते रखिएगा। अच्छा, और किस तरह यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि लॉन के अंदर जो है वो सब बड़े काम कूल तरीके से बैठे हुए हैं, वैसे कूल काफ़ी है मौसम, और इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं बड़ा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि सर्कल में आके लोग बैठे हुए हैं, तो ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं लोगों से, बड़ी खूबसूरत सी मेरी खातून नज़र आई हैं। हेलो, मैरी क्रिसमस। ये बताइए कि इतनी रात में इतनी ठंड में, और मैं देख रही हूँ कि आप लोग बड़े जगमगाते चेहरों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कोई मुझे बताएगा कि ये ऑर्केस्ट्रा में ये दुआ चल रही है आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ रही है? जी इतनी तो नहीं, क्योंकि पंजाबी इतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन इन्जॉयमेंट हमारी जो है वो यही है सारी, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश के साथ ही हमारी सारी खुशियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं, तो बस इन्जॉय कर रहे हैं हम। व्हाट्स योर गुड नेम? रोमेला। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम यू हैव। अच्छा रोमेला, टेल मी वन थिंग, दैट
आप इतनी सर्दी में, अभी कोरोना भी है, आप फिर भी ये इस साल आपने दिसंबर का इसी तरीके से इंतजार किया जैसे पहले करते थे, या इस दफा जब आपने कहा कि जरा थोड़ा सा रिजर्व हो जाओ? नहीं, क्रिसमस की तो तैयारी जो है वो हर साल ही रहती है, ठीक है, जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है तो क्रिसमस की तैयारी तो है वो शुरू हो जाती है हमारी, नवंबर से ही स्टार्ट हो जाती है, तो बस जैसे ही ख़त्म होता है क्रिसमस फिर वापस से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है कि कब आएगा क्रिसमस, तो इंतज़ार करते हैं हम खुशी का। रुमेला ये बताएं कि आप कराची में कब से? मैं यहीं की पैदाइश। आप यहीं की पैदाइश हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि यहाँ पर आपको आपकी जो सर्विसेज हैं इसमें कोई दिक्कत पेश आ रही हो, या आपको लगता है कि कोई कमज़ोरी रह गई हो स्टेट की जानिब से, या आप मुकम्मल तौर पे आज़ादी से अपनी ये सर्विसेज अटेंड करते हैं? अभी तक तो हम लोग बिल्कुल आज़ादी के साथ ही अटेंड कर रहे हैं अपनी, तो इंशाल्लाह ताला आप आज़ादी के साथ ही करेंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। तो कैसी एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है? जबरदस्त किस्म की एक्टिविटीज हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं आप? जी हाँ। ओके, सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज के इस सर्विसेज में और हर साल जब आप ये अटेंड करते हैं सर्विसेज, तो मैसेज आपकी तरफ से क्या, मतलब जो दिया जाता है तो उससे क्या जो है हमेशा जो है आप अपनी तरबियत में आप इसको शामिल करते हैं, या सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं? मेरा कहना ये है कि जो हम इस पार्टी में करते हैं, इस पार्टी से हम ये सीखते हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबके साथ एकता रखना चाहिए, और सबके साथ जो है वो होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे आप देखिएगा कि केक कट हो रहा है यहाँ पर, यानी कि केक कटिंग की सेरेमनी हो रही है, और क्रिसमस का जो केक होता है ना, वो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि रेड और वाइट क्रीम के साथ जो है उसको बनाया जाता है अमूमन, क्योंकि ये जो एक रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों कलर जो हैं वो क्रिसमस की एक ख़ास किस्म की शनाख्त होते हैं। अगर आप पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे ममालिक जो कि अंग्रेज़ जिनको हम कहते हैं, या गोरे ममालिक हम लोग कहते हैं, गोरे लोगों का मुल्क हम से कहते हैं, तो उसमें हर जगह की एक मुख्तलिफ क्रिसमस के हवाले से जो है वो तकरीबात होती हैं। अमेरिका में बिल्कुल एक अलग तरीके से होती है, सिर्फ चंद एक सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो कि एक ही जैसे पूरी दुनिया में होती हैं, जैसे दुआया तकरीबात होती हैं या दो तीन ऐसे, बाकी जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर मैं यह बड़े आराम से आपको कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में जो होने वाली सर्विसेज हैं ना, वो पूरी आज़ादी के साथ यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि सर अंजाम दी जा रही होती हैं। अच्छा, ज़ुबान कोई भी हो लेकिन जो पैगाम है वो सबको जो है वो समझ आ रहा होता है। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद खुश आमदेद, मेरे साथ मौजूद हैं कुकी। कुकी के हवाले से आपको छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि कुकी स्पेशल चाइल्ड है और दारुल सुकून में मेरी पहले इनसे मुलाकात हो चुकी है। आपने अक्सर बेशतर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे कुकी के हवाले से आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखी होंगी। कुकी को अल्लाह ताला ने जहाँ पर कुछ उसको उसमें कुछ अगर कोई अपेरेंटली कुछ कमी छोड़ी, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने कुकी को इतनी जहानत दी हुई है कि शायद वो आपको और मुझे बड़े आराम से जो है वो बीट कर सकती है। और कुकी जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद। कुकी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। ये बताओ कि जो मैसेज यहाँ पर दिया वो सुना आपने? जी, मैंने यहाँ पे मैसेज सुना है, मैसेज ऑफ लव, मैसेज ऑफ पीस एंड मैसेज ऑफ हार्मनी। Okay, okay, okay. So, would you like to say something about this occasion, which is very special occasions for all of us, Christmas? What would you say? Well, Christmas pe main ye paigham dena chahti hu ki hum sab mil jul ke mohabbat mein hain, pyar mein hain, jaise hamara
यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, उसने और अपने लव अपने प्यार सबको बांटा, ऐसे हम लोगों ने भी मिलजुल कर प्यार बांटना है। थैंक यू सो मच कुकी। A small message I wish all of you who are always watching a very happy Christmas and a very happy New Year. Thank you. Same words I have for you, Cookie. अच्छा ये फादर कुकी से मेरी पहले मुलाकात हुई हो चुकी है दारुल सुकून में, मैं जब प्रोग्राम करने के लिए गई थी। तो कुकी क्या हर साल यहाँ पर आती है, आप इसको इनवाइट करती हैं? ये हमारी बेनिफैक्टर हैं तो ये हर साल यहाँ पर आती हैं और अपनी खुशी को हमारे साथ जो है वो शेयर करती हैं। क्योंकि कुकी के साथ मामला बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे आप कह सकते हैं ना कि अनयूजुअल, इसकी जो इस कुकी के बारे में मैं सिर्फ आपको इतनी बात बताऊँ, चूँकि अब कुकी जा चुकी है अपनी जगह पर बैठ चुकी है। कुकी इस वक्त आप समझ सकते हैं, समझ लें कि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजा है कि अगर ये बंदी इस वक्त अपने पांवों पे खड़ी होकर एक जिंदा इंसान की सूरत में बात कर रही है ना। कभी इनको आप गूगल करके देखिएगा कुकी को दारुल सुकून में, और आप ज़रा पढ़ के देखिएगा कि कुकी को अल्लाह ताला ने किन हालात में जो था वो जिंदा रखा हुआ है। जबकि अगर इसकी आप हिस्ट्री पढ़ें कुकी की, तो मेरे मतलब मैं उस दिन मजीद मेरा ईमान पक्का हो गया था अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह ताला तो किसी को जिंदा रखना चाहे तो तू कैसे ही रख सकता है, और ये तेरी मंशा है भरे। तो वही वाली बात आती है कि फादर यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बड़े सुकून के साथ, मुझे वो सिर्फ ये चीज़ जाननी है आपसे, वो कौन सी ऐसी रेसिपी है कि जब भी सर्विसेज होती हैं इतने सारे लोग होते हैं लेकिन इतना ऑर्गेनाइज, लोगों में इतना पेशेंस और इतने तहमुल के साथ वो सुन रहे होते हैं। कोई मैंने आज तक इतने प्रोग्रामों में मैंने कभी हबड़ धबड़ नहीं देखी है, तो ये क्या मतलब कोई आप लोगों के पास कोई खास रेसिपी है? देखें मतलब चूंकि ये प्रोग्राम जो है मजहबी नौयत का प्रोग्राम होता है, तो मज़हब जो है वो हमें यही दर्स देता है कि हम अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए लोग जो हैं बड़े सब्र तहमल के साथ इस प्रोग्राम में या ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेते हैं, और इसके साथ साथ डिसिप्लिन को जो है वो कायम दायम रखते हैं, और जब डिसिप्लिन हो तो फिर हर चीज़ जो है उसकी अच्छे तरीके से समझ आती है। अस्सलामुअलैकुम, मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। अच्छा बताएं कि दिसंबर के महीने का जो इंतज़ार हर साल आप करती हैं, तो इस साल भी इसी तरीके से आपने इंतज़ार किया, जबकि खासा जो था वो मामला जो थे कोरोना की वजह से खासे अपसेट थे, फिर भी आपने इसी तरीके से इंतज़ार किया या क्रिसमस की खुशी कभी कम नहीं हो सकती, इस दिन का सबको इंतजार है। अच्छा आपको तो चले इंतज़ार है ना, यकीन करें कि इस प्रोग्राम को करने के लिए पूरा साल मैं भी इंतज़ार करूँ, और यही है, यही हमारी मोहब्बत है, और यही क्रिसमस की एक कशिश है, काम में बहुत तेज़ है कि हर किसी को इंतजार करना पड़ता है। तो मैम ये बताइएगा कि इतने सालों से आप क्रिसमस कराची में मना रही हैं, तो कभी ऐसा एहसास हुआ कि इस दफ़ा जो था वो क्रिसमस में थोड़ी सी पाबंदी, या फिर कभी ऐसा हुआ कि नहीं इस दफ़ा जो था वो क्रिसमस में थोड़ा सा हम लोगों को सही तरीके से सर्विसेज अटेंड करने का मौका शायद इस तरीके से नहीं मिल सका, या आपको हमेशा आज़ादी के साथ जो है वो आपकी सर्विसेज अटेंड करने का मौका मिलता है? मेरा जो हमेशा आज़ादी से वो और आज़ादी ही है, लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना कोविड की वजह से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, लेकिन एसओपी को फॉलो करते हुए सब लोग वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही हम कहना चाहेंगे कि बस ये खुशियाँ बड़े कम मौके मिलते हैं हम लोगों को खुशियाँ देखने के, तो प्लीज़ ज़रा खुशियों के जितने भी छोटे छोटे मौके या बड़े मौके मिले जाने मत दिया करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस। सेम टू यू। थैंक यू। ये बताइए कि इन्जॉय कर रही हैं ये? अच्छा ये जो एक मैसेज होता है, मैसेज ऑफ पीस, और जो ये इस खास तौर पर इस दिन के हवाले से फ्रॉम दिस स्पेशल डे, तो क्या कहेंगी आप, क्या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किस हद तक उस मैसेज को अप्लाई करती हैं? मैसेज ऑफ पीस जो है ना वो, बिकॉज क्राइस्ट इज नोन एज पीस राइट एंड इज अ किंग, तो मेरा ये जो पीस का मैसेज है ये हम अपनी जिंदगियों से देते हैं, क्योंकि मैं लाड़काना में जब रही तो आई वॉज वाहिद, एक क्रिश्चियन फैमिली था गांव में, पीरों के गांव में, और वहां पे मैं कलाम तो नहीं लेके जा सकती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी थी जिससे मैंने ये पैगाम उनको दिया, और एक मैं इदारे की प्रिंसिपल भी थी, तो उस इदारे में हर किसी का बच्चा आता था और इलीट वो था, तो वहाँ पे पैगाम उस्ताद को अमन का ही देना होता है।
उस माहौल में, लाड़काना के माहौल में आपको अमन ही देना होता है और वो हम अपने कामों से देते हैं। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती में नहीं हूँ, तो आप मेरे ख्याल में प्रिंसिपल, आप अगर स्कूल की हैं तो कॉलेज की प्रिंसिपल थी। मैं इस जगह आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैम कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे तालीमी इदारे हैं जो कि आप लोग चला रहे हैं, उनमें जो तालीम का मेयार है और जो वहाँ पर बच्चा जिस तरीके से उसकी तरबियत की जाती है, उसको उसके अंदर जितनी ज़्यादा उसको जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है उसको ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में कि वो हम लोगों के लिए भी जो है ना वो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए भी ज़रूरत है कि हम भी उसी पैटर्न के ऊपर जो है जिस तरीके से वो तरबियत, याद रखिएगा तरबियत मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से आपको डिसिप्लिन सबसे पहले जो है वहाँ पे सिखाया जाता है, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप अपनी जो है वो पूरी 21 years 25 years 91 से लेके 2017 तक काम किया है और राशदियों के गोट में रही मैं। ठीक है, और वहाँ की जो खासकर पीरों की लड़कियाँ, उनको तालीम और दर्स और तदरीस देना इतना आसान नहीं था, लेकिन चेंज माइंड सेट पीरों का चेंज करना, और फिर उन्होंने अपनी बेटियों को जो निकाला तालीम के अंदर लेके, आज उनमें से एक एचआर फर्स्ट वुमेन बैंक की भी है और वो इस्लामाबाद में काम करके हैं और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं। सर कैसा लगता है कि जिस वक्त आपके हाथ से लगाए हुए पौधे वो इतने तनावर दरख्त बन जाते हैं कि वो उनका एक नाम, एक डंका बजता है, वो की पोस्ट पे होते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने अपना करियर 78 में शुरू किया और अब मैं जब इतने 26 साल के बाद कराची आई हूँ, मैं कराची आई लेकिन काम मैंने इंटीरियर ऑफ सिंध में किया, राइट अप टू कश्मीर में जाती रही, डलवाल में भी मैंने पढ़ाया। मैं आपके हाथ छूना चाहूँगी, आपने एक जब एक ऐसा दौर था कि जब हम लोग उस वक्त तरसते थे कि तालीम जो है वो इस तरीके से हम लोगों के घरों में आके दस्तक दे, और उस वक्त आपने ये बेड़ा उठाया, 1971 से आप ये काम कर रही हैं, पत्नी आपके 78 से, आपने पत्नी कितने ऐसे बच्चे जो हैं वो आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी क्रिसमस विश यू सेम। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तुहानू भी मुबारक हो जी। अच्छा तुसी पंजाबी बोल रहे हो, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, मैनू भी पंजाबी आंदी है, कोई गल नहीं। चले ए मैनू दसो कि इत्थे एक मैसेज दिया गया है थोड़ी देर पहले, ते की कहोगे उस मैसेज दे हवाले नाल कि किन्ना तुसी अपनी शख्सियत दे उते उस मैसेज नू अप्लाई कर दे? जो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है वो तो सारी इंसानियत के लिए और अपने आप को पेश कर देना, दरअसल क्रिसमस का पैगाम यही है कि कुछ लेना नहीं बल्कि अपना आप दे देना, और यही क्रिसमस है। और क्रिसमस में जो सबसे बेहतरीन पैगाम जो आपको लगता है, जिस पे आप कहते हैं कि भाई मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि ये क्रिसमस का सबसे अहम पैगाम है, वो क्या है? क्रिसमस का सबसे अहम और ख़ूबसूरत पैगाम यही है कि हम अपनी शख्सियत को मिटाकर दूसरे की भलाई की बात करें, जैसा खुदावंद यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर है। अच्छा देखिए, हमने जितनी देर में ये सब कुछ सुना है बहुत, और मैं हर साल आके सुनती हूँ, तो जिस तरीके से एक मोहब्बत का जो पैगाम दिया जाता है कि अपने आप को बाद में रखो, पहले दूसरे इंसानों का, और हक मारना तो बहुत दूर की बात, बल्कि अपना अगर कभी हक छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, ये एक पैगाम दिया जाता है। लेकिन अगर हम इधर उधर देखते हैं, अपने इर्द गिर्द अपना माहौल देखते हैं, तो हमें तो बिल्कुल इसके बरक्स चीज़ें नज़र आती हैं, तो क्या ये पैगाम सिर्फ सुन के छोड़ दिया जाता है? दरअसल यही खुशखबरी है जिस जो लोगों को दी जानी चाहिए और पहुँचनी चाहिए कि अपनी हस्ती को मिटाना और दूसरे को ज़्यादा मुकद्दम और बेहतर जानना, ये ज़्यादा अहम है, यही क्रिसमस का पैगाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मेरे सामने एक सिस्टर आई हैं और ये भी उसी मुकद्दस पेशे से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने एक ओल्ड लेडी से जिस तरह बात की थी, वो उन्होंने इतना सर्व किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जाहिर है कि एक एज फैक्टर होता है, उन्होंने उनकी कुव्वत समाज जो थी वो मतलब यानी कि जवाब दे चुकी थी, लेकिन हाँ जी जी, आप ये बताइए कि आपका बेसिकली आपका ताल्लुक कौन से मुल्क से? पाकिस्तान से है और इस्लामाबाद से, कैपिटल से। कराची में कब से हैं? रेगुलर बेसिस पे अगर कहें तो 8 साल हो गया मुझे पंजाब। अच्छा जी, ठीक है सही है, आप उर्दू बोल रहे हैं ना इसलिए मैं 8 साल तो पंजाबी आई थी वहाँ कराची से। तो मुझे ये बताइए कि आपके इस कराची के, जब से आप यहाँ पर रह रही हैं, क्या थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस होता है इस्लामाबाद में जो आप जो ये आपके क्रिसमस के जो आप सर्विसेज अटेंड करती थी और यहाँ पे जो कराची में अटेंड करती, कोई फ़र्क है या ऐसे ही है? ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि
सब क्रिश्चन एक जैसे ही मनाते हैं क्रिसमस। पार्टीज में फ़र्क आ जाता है थोड़ा जहाँ, सेलिब्रेशन से थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन बेसिक जो सेलिब्रेशन हमारी चर्च में जड़ी होती है वो सेम ही सेम होती है, इसलिए इतना फ़र्क नहीं महसूस होता। कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है आपको मुल्क से बाहर? हाँ जी, मैं दो दफ़ा फिलिपिन में जा चुकी हूँ। फिलिपिन में कभी आपने क्रिसमस मनाया? जी जी बिल्कुल मनाया। वहाँ पर क्या इसकी थोड़ी सी सर्विसेज जो होती हैं मुख्तलिफ होती हैं? थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी जो है वो आपको क्रिश्चियन ही मिलेगी, यहाँ पे हम कम लोग हैं, थोड़े हैं, इस वजह से थोड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन फिलिपीन जाहिर है कैथोलिक कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, तो एवरीवेयर रोड्स जो हैं वो भी डेकोरेट होते हैं। इवन आप जहाँ चले जाए, जो चले जाए, जिस एरिया में चले जाए, आपको एटमोसफेयर ऐसी मिलेगी कि इट्स रियली अ क्रिसमस टाइम। कोई ऐसा पैगाम जो आज के दिन आप देना चाह रहे हो अपने दूसरे लोगों को? पैगाम एक ही है जो क्रिसमस का पैगाम है, वो यही है, प्यार करना है, उम्मीद रखनी है। और ख़ासतौर पे इस टाइम में जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हम सब डरे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन इस क्रिसमस पे मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, डरे मत, खुदा पे भरोसा रखें, इसका भी एंड हो जाएगा। डरे मत लेकिन एहतियात ज़रूर करें, लेकिन अल्लाह है और ऊपर वाला जो है ना वो आजमाइश बस इतनी ही डालता है कि जहाँ पर इंसान की हद बर्दाश्त जो होती है वो जवाब देने से पहले अल्लाह ताला उस आजमाइश को ख़त्म कर देता है। याद रखिएगा उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम की आखिरी हिस्से में मुलाकात होगी आपसे, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुश आमदेद, और अब तकरीबन सर्विसेज जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब यहाँ पर जो तहाइफ हैं उनका तबादला जो है वो किया जा रहा है। और इसी असना में मुझे नज़र आई एक और सिस्टर, सिस्टर जूली हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम परफेक्टली ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू वेरी वेरी मेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस। एंड व्हाट वुड यू से, what is the precisely message of this day? The message of the day is that Christ is born, and our greeting is Christmas is really to share with what people don't have, and especially now with this corona we need to share whatever we have with the poor and the less fortunate. And that what, that's great ma'am, salute for you. This is the essence of this message actually. That's the message. Thank you so much. Thank you so much. Once again, Merry Christmas. Okay. Assalamu alaikum ma'am. Assalamu alaikum sir. Merry Christmas. Thank you. आप क्या कहेंगी आज के दिन का पैगाम आप कोई देना चाहें? हम आपके पैगाम के मुंतजर इस वजह से क्योंकि एक ही दिन हमें ऐसा मिलता है कि हम एक दूसरे को पैगाम दे सकते हैं मोहब्बत। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, ख़ास तौर पे कोविड को लेकर और इस वेदर को लेकर, और हम लोग स्पेशली काफ़ी दूर से आए हैं लेकिन बहुत इंजॉय किया फादरों की एफर्ट को, स्टूडेंट की एफर्ट को, और ख़ास तौर पर क्रिसमस को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर पंडाल हम देखें तो ये पूरा तकरीबन भर चुका है, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल आपको लोग नज़र आएंगे कि जो अमूमन हमने ऐसी तकरीबात में अमूमन नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। अभी आपने कुकी को देखा, कुकी से पहले मैंने एक ओल्ड जो सिस्टर थी उनसे बात किया जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी वो खिदमत खल्क में सर्व की, लेकिन अब जो हैं वो मुझे बताया गया था कि ये अब ना सुन सकती हैं और ना इसी तरीके से बोल सकती हैं, और बिल्कुल मतलब यानी कि उन्होंने इनको जो था वो एक साइड पर नहीं रखा बल्कि अपनी खुशियों में इनको भी शामिल किया। ये है आज के दिन का मैसेज कि सबको अपनी खुशियों में शामिल करना है, किसी को एक तरफ तनहा नहीं छोड़ना। सो नाउ वी हैव सफीना जावेद, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और पीस एक्टिविस्ट। आप इनको जो है अक्सर व बेशतर जो है इनके हवाले से आप खबरें सुनते रहते हैं। तो सफीना, आज के दिन तो हमने ये पूरा का पूरा जो पैगाम सुना है ये तो है ही अमन व अच्छी का। आप एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नज़र से और एक पीस एक्टिविस्ट की नज़र से अगर इस पैगाम को देखें, कितना ज़्यादा ये वैलिड है इस वक्त जब हर बंदा जो है उसको सपनी पड़ी हुई है और वो किसी दूसरे का नहीं सोच रहा है, इस पैगाम को कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स जो है वो जीसस क्राइस्ट की पूरी तालीमात को कम्प्लीट करते हैं
कि तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानियत मोहब्बत रखो, तो इसमें क्या नज़र आता है, हमें इक्वालिटी नज़र आती है। जब हमें इक्वालिटी नज़र आती है तो लव, पीस और हार्मनी ये सारी चीज़ें हमें आज के क्रिसमस सीज़न में हमें हर जगह के ऊपर महसूस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्रिश्चियनिटी में एक चीज़ है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करते हैं। तो अभी हमने देखा कि इस पूरे सीज़न में डिफरेंट जगहों के ऊपर हो रहा ये था कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पिछला जो हमारा वीक गुजरा है वो वाइट गिफ्ट सर्विस का था, तो उसमें मुख्तलिफ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सरमनीज हो रही थी और सब लोगों ने जो भी अपने पड़ोस में या अपने अपनी उसके मुताबिक उन्होंने अपने साथियों के लिए, अपने कमज़ोर तबकात के लिए उन्होंने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन किए। और यही हमारे जीसस क्राइस्ट का पैगाम है। सफीना, मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी कि बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है कि जो कि स्पेशल लोग हैं और उनको मुकम्मल तौर पे बिल्कुल आम लोगों की तरह ही जो है उनको इनवाइट यहाँ पे किया गया है खुशियों में। यानी मुझे अच्छी बात जो सबसे बड़ी लगी है वो ये लगी है कि उनको एक साइड के अंदर ये इस एक साइड पे इस वजह से नहीं रखा गया कि उनमें कोई कमी है, कोई वही है, उनको बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, एक आम औरत की तरह उनको शामिल किया गया। मैं अब तक 2-3 लोगों से ऐसे मिल चुकी हूँ। अभी एक ओल्ड लेडी थी जिनसे मैंने अभी शुरू में बात की थी, वो उनके बारे में मुझे बताया गया, उन्होंने सर्व किया एक पूरी ज़िंदगी जो थी, उन्होंने खिदमत लोगों की और अभी वो चूंकि उनका बताया गया कि वो सोचने समझने और बोलने की और सुनने की उनकी जो है वो सलाहियत जो है वो एज फैक्टर की वजह से ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से मैंने कुकी को देखा, इसी तरीके से मैंने 2 और लोगों को यहाँ पर देखा। तो क्या ये क्रिसमस का दिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा दिन है कि जहाँ पर किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और तमाम लोगों को खुशियों में शामिल करते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इक्वालिटी और लव सबके लिए है, तो लव तो उसी वक्त होता है ना कि जब आप सबको अपने जैसा समझे। तो यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन, डिसेबल तो नहीं कहते, स्पेशल जो है वो भी हमारे लिए बहुत अहम है और उनको हम अपने साथ बिल्कुल उसी तरह खुशियों में शरीक करते हैं जैसे कि वो नॉर्मल जो है इंसान वो इसमें शिरकत करता है, तो तभी जाके हमारे क्रिसमस मुकम्मल इसमें समझते हैं। और अगर मैं आपसे इस कराची के हवाले से ये सवाल करूं कि क्या आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, तो क्या कहेंगी? व्हाट वुड यू से? देखें, मुकम्मल मजहबी आज़ादी तो हमें है, हम अपने ईद त्यौहार और सारी जितने भी, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स की एक हूँ और हम लोग हमेशा से ऐसे करते हैं, ये हमारी रवायत रही है। जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं, जब होली होती है, दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, ईद होता है, तो जो हमारी जितनी भी सराउंडिंग होती है, जितने हमारे दोस्त होते हैं, वो चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईस्टर हो, तो वो सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो उस लिहाज से जो सेंसिटाइज लोग हैं वो तो इस चीज़ में तफर्क नहीं रखते, कोई फ़र्क नहीं रखते, लेकिन जो 1% या 2% लोग हैं जो कि जुनूनी कह सकते हैं, और जो जुनूनी लोग होते हैं वो हर जगह के पर मौजूद होते हैं, हर मज़हब में मौजूद होते हैं। बिल्कुल, मैं यही अगली बात कहना चाह रही थी कि वो हर सिर्फ इस मज़हब या किसी एक मज़हब में नहीं, वो तमाम मज़ाहिब में, तमाम मज़ाहिब में होते हैं, तो उनको तो फिर काउंटर करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है ना कि किस तरह से हम उनके साथ अपना बिहेवियर रखते हैं और किस तरह से उनको रिप्लाई करते हैं। तो ये 1 या 2% से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए इस तरह की एफर्ट्स करनी चाहिए कि वो हमारे साथ मिलके और इन सारी खुशियों में शरीक हों। थैंक यू सो मच सफीना। इधर मैं जिस बंदे को देख रही हूँ ना, उसके हाथ में कोई ना कोई गिफ्ट है, तो अभी मेरे बिल्कुल साथ ही एक लड़का खड़ा हुआ था, नवीद, और इनके हाथ में भी एक गिफ्ट है। तो नवीद, ये गिफ्ट आपने जीता है या आपको मिला है? मुझे यीशु मसीह ने दिया है, जो पैदा हुए हैं और उनकी तरफ से मेरे लिए तोहफा है। ये हमारे सेमिनरी के रेक्टर हैं, तो उन्होंने हमें ये तोहफे में दिया गिफ्ट क्रिसमस पे। अच्छा, चाहे गिफ्ट अंदर से कोई भी निकले, किसी छोटा हो बड़ा हो, आपके लिए वो तो नहीं मुकद्दर? एक्चुअली ये मुझे पता नहीं कि गिफ्ट अंदर है क्या, लेकिन जब निकलेगा तो मेरे लिए वो कबूल करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, अहम होगा मेरे लिए। अच्छा, अब मैं उस शख्स से आपको मिलवाना चाहती हूँ जो अभी मैंने आपको बताया कि ये गिफ्ट्स लेकर आता है, सांता क्लॉज। आए मिस्टर सांता क्लॉज, आपको मैं बताना चाहती हूँ, बचपन से ही मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका एक तो गेटअप बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, दूसरा ये कि आप गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से लेकर आते हैं आप? इतने सारे गिफ्ट्स हम लेकर आते हैं, कुछ हम खरीद कर लाते हैं और कुछ हमें मिलते हैं कि देने के, बच्चों को देने के लिए, और
और हमारा सेंटा क्लोज का काम ही है कि बच्चों को गिफ्ट देना और सब नसीब। अच्छा, बच्चे आपका कितना इंतज़ार करते हैं आज? बच्चे बहुत बेसब्री से हमारा इंतज़ार करते हैं और बच्चे हमें देख के खुश हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, बच्चे तो खुश होंगे ही, आप कितना खुश होते हैं बच्चों को देख के? मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ बच्चों को देख के और उनको खुशी के साथ अपने गिफ्ट देता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने ज़बरदस्ती आपसे गिफ्ट लिया हो, या कभी ऐसा हो कि बच्चा ने ऐसा रोला डाला हो कि सेंटा क्लॉज मैं आपको निकलने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे गिफ्ट ना दें ये, और आपने बकायदा तौर पर सेंटा क्लॉज ने जान छुड़वाई हो उसको कोई छोटा मोटा गिफ्ट देकर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इजाज़त लेना चाहूँगी फादर आपसे, थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। हर साल की तरह हम आए, कभी हम एक चर्च में जाते हैं कभी दूसरे चर्च में जाते हैं, लेकिन किसी भी चर्च में चले जाएं हमें सिर्फ पैगाम मोहब्बत का ही मिलता है। तो इसके लिए इतना प्यार देने के लिए और पाकिस्तान के लिए अब इतना कंट्रीब्यूट करने के लिए थैंक यू सो मच। एक ही दिन मिलता है कि जब आप आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं? नहीं, मैं अपने इदारे की तरफ से और इस इदारे के मुंतज़िम आला की तरफ से आपका टेलीविजन K21 का सिदके दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी खुशी में शामिल होने के लिए इस ठंडे मौसम में तशरीफ़ लेके आए। तो हम आपके दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और आप हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं। तो ये खुशियां मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के साथ मिलने से सांझी होती हैं, सांझी रहनी चाहिए। तो मैं एक मरतबा फिर आपका सिदके दिल से शुक्रिया अदा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह दीजिए, नफ़रतों और कदरतों को भूल जाइए। इन नफ़रतों कदरतों ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ रहने ने हमें बहुत कुछ दिया है। ज़रा कभी गौर से सोचिएगा, ज़रा सोचिए, हमें प्यार मोहब्बत ने तो बहुत कुछ दिया, हमें कदरतों ने कुछ नहीं आज तक दिया। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक मरतबा फिर जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ हमारी क्रिश्चियन बरादरी मौजूद है, मसीही बरादरी मौजूद है, उनको तहे दिल से मैरी क्रिसमस।